नमस्कार, लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और सेहतमंद होंगे। अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में एक खबर आती है कि भारत सरकार पीएम केयर्स फंड माने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के लिए विदेशी सहायता को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि जब पहले से PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड थी तो एक नए फंड सिस्टम की क्या ज़रूरत थी। तो सरकार इस पर यह कहती है कि PMNRF बाकी सारे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए है, जबकि PM केयर्स फंड COVID-19 और इस जैसे महामारी से निपटने के लिए बनाया गया है। PMNRF और PM केयर्स फंड में एक और अंतर यह भी है कि आप PM केयर्स फंड में कम से कम 10 रुपये तक की राशि डोनेट कर सकते हैं, जबकि PMNRF में न्यूनतम सीमा 100 रुपये थी। और यह भी कहा जाता है कि COVID-19 के लिए अलग से फंड सिस्टम होने से ज़्यादा लोग इसमें डोनेशन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो चलिए विषय पर वापस आते हैं। भारत जब पहले विदेशी सहायता से इनकार करती थी तो अब इसे स्वीकार क्यों कर रही है, तो इसके लिए थोड़ा समय के पीछे लेकर चलते हैं आपको। 2004 के दिसंबर में जब सुनामी आई थी तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि ऐसी आपदाओं से निपटने में भारत सक्षम है। देश को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब साल 2018 में केरल में बाढ़ आई थी। उस वक्त भारत ने सारी विदेशी सहायताओं से मना कर दिया था, जिसमें यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के 100 मिलियन डॉलर्स भी थे। हमारा भारत खुददार तो है, मगर विदेशी सहायता ना लेने का एक और कारण है कि इसे लेने वाली देश की GDP रैंकिंग कम होती है, और अभी ऐसी परिस्थिति में जितनी मदद मिले उतनी कम है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक करिए। नीचे कमेंट से बताइए कि कहाँ अच्छा लगा, कहाँ अच्छा नहीं लगा, कहाँ सुधार हो सकता है, और साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।